Start with the name of Allah, who is the most merciful and powerful. Assalamu alaikum, dear students. In this lecture, we are going to talk about the use of she. She is a pronoun. She hamare saath ye pronoun hai. Aur iske istemal ke baare mein is video mein hum baat karenge ke isko hum kis tarike se istemal kar sakte hain. We use she for feminine gender. शी हम मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करते हैं. सिंपल स्ट्रक्चर इसका कुछ यू है. सबसे पहले हम शी लगाएंगे जुमले में. सबसे पहले हम शी लगाएंगे, उसके बाद हम इज लगाएंगे, इसके बाद हम ए और एन लगाएंगे, और फिर नाउन या एडजेक्टिव लगाएंगे. एग्जांपल्स की तरफ आते हैं. एग्जांपल्स विद नाउन्स. अब ये एग्जांपल्स हैं और ये नाउन्स के साथ हैं. शी इज अ ड्राइवर. वो एक ड्राइवर है. तो ये एक लड़की है, एक फीमेल है, और हम कहते हैं कि वो एक ड्राइवर है. शी इज अ ड्राइवर, गाड़ी चलाती है. शी इज अ डॉक्टर. वो एक डॉक्टर है. शी इज अ टीचर. वो एक उस्तानी है. She is a pilot. वो एक pilot है. She is a nurse. वो एक nurse है. तो ये रहे positive examples nouns के साथ. Examples with adjectives. She is intelligent. वो ज़हीन है. तो इन जुमलों में ये जो आखिरी अल्फाज है ये adjectives हैं. Intelligent का मतलब है ज़हीन. She is hardworking. वो मेहनती है. She is happy. वो खुश है. She is sad. वो खफा है. She is honest. वो ईमानदार है. Honest का लफ्ज आपने honest बोलना है. ये honest नहीं है. हम बोलेंगे honest. She is honest. Contraction form. अब हम बात करते हैं contraction और relax form की. तो आप देख सकते हैं शी और इज जो है ये जो अलग अलग हैं ये रिलैक्स फॉर्म है. और ये जो इकट्ठे हैं इनको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंट्रैक्शन फॉर्म शीज. तो कंट्रैक्शन फॉर्म शी का है. शी और इज का कंट्रैक्शन फॉर्म है शीज. अब बात करते हैं कि हम कंट्रैक्शन फॉर्म को कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और रिलैक्स फॉर्म को हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये जो रिलैक्स फॉर्म है ये हम पेपर्स में, एग्जामिनेशन हॉल में, जब हम फॉर्मल राइटिंग करते हैं या बोलते हैं, एक ऐसी सिचुएशन जो फॉर्मल हो, मीटिंग हो, इंटरव्यू हो, इसी तरह, तो फिर हम रिलैक्स फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. और कंट्रैक्शन फॉर्म हम इनफॉर्मल राइटिंग में या इनफॉर्मल स्पीच में इस्तेमाल करते हैं. जब हम दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश बोलते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो फिर हम कंट्रैक्शन फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं. नेगेटिव स्ट्रक्चर, मनफी साख्त, कि हम मनफी जुमलों को किस तरह बनाएंगे. तो सबसे पहले हम शी लगाएंगे, उसके बाद इज, फिर नॉट लगाएंगे, तीसरी जगह पर नॉट लगाएंगे, फिर ए या एन लगाएंगे, फिर नाउन या एडजेक्टिव लगाएंगे. एग्जांपल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं. Examples of negative sentences with nouns. अब ये negative sentences हैं और इनमें nouns इस्तेमाल हुए हैं. She is not a driver. वो एक driver नहीं है. She is not a doctor. वो एक doctor नहीं है. She is not a teacher. वो एक teacher नहीं है. She is not a pilot. वो एक pilot नहीं है. She is not a writer. वो एक writer नहीं है. Writer लिखने वाली. अब आगे बढ़ते हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस विद एग्जांपल्स विद एडजेक्टिव्स. अब ये एडजेक्टिव्स के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस हैं. शी इज नॉट इंटेलिजेंट. वो ज़हीन नहीं है. इसमें इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है. शी इज नॉट हार्ड वर्किंग. वो मेहनती नहीं है. शी इज नॉट हैप्पी. वो खुश नहीं है. शी इज नॉट सैड. वो खफा नहीं है. She is not honest. वो ईमानदार नहीं है. आगे बढ़ते हैं contraction form की तरफ. Is not, ये हमारे पास relax form है, और इनको जब हम मिला लेते हैं तो ये बन जाएगा isn't.
ये isn't जो है ये इसका कंस्ट्रक्शन फॉर्म है. एग्जाम्पल, शी isn't अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर नहीं है. तो हम इस तरह भी बोल सकते हैं शी इज नॉट अ डॉक्टर, और कंस्ट्रक्शन फॉर्म में हम बोलते हैं शी isn't अ डॉक्टर. इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, सवाल या साख्त कि हम सवाल या जुमले किस तरह बनाएंगे. तो सबसे पहले हम इज लगाएंगे और इसमें आई को कैपिटल लिखेंगे, इस शी, फिर इसके बाद हम शी लगाएंगे, फिर ए या एन, ये जो आर्टिकल है नाउन के पहले लेटर के साउंड के मुताबिक, फिर नाउन, फिर नाउन या एडजेक्टिव, और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन या मार्क ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क, और उर्दू में सवाल या निशान कहते हैं. तो ये लगाएंगे. एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विद नाउन्स. अब ये सवाल या जुमले हैं और इनके आखिर में नाउन है. इज शी अ ड्राइवर, क्या वो एक ड्राइवर है. इज शी अ डॉक्टर, क्या वो एक डॉक्टर है. इज शी अ टीचर, क्या वो एक उस्तानी है. इज शी अ पायलट, क्या वो एक पायलट है. इज शी अ नर्स, क्या वो एक नर्स है. आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल्स है ये एडजेक्टिव्स के साथ. एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विद एडजेक्टिव्स. अब ये सवाल या जुमलों के एग्जाम्पल्स है लेकिन ये एडजेक्टिव्स के साथ हैं. इज शी इंटेलिजेंट, अब ये हम किसी से पूछते हैं. इज शी इंटेलिजेंट, क्या वो ज़हीन है. इज शी हार्ड वर्किंग, क्या वो मेहनती है. इज शी हैप्पी, क्या वो खुश है. इज शी सैड, क्या वो खफा है. इज शी ऑनेस्ट, क्या वो ईमानदार है. असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि आप लोगों ने करना क्या है. उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा. तो आपका काम यह है कि आपने 10 पॉजिटिव सेंटेंसेस लिखने हैं और उन 10 सेंटेंसेस को फिर नेगेटिव में तब्दील करना है मनफी जुमलों में, और फिर ये जो पॉजिटिव 10 सेंटेंसेस हैं उनको आपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में तब्दील करना है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. आई होप यू गॉट इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.